दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि Realme ने हाल ही में ही चाइना की मार्केट में Realme X स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, जहां पर इस मोबाइल फोन के प्राइस स्टार्ट होते हैं करीब 15,000 रुपए से। तो ऐसे में दोस्तों, ये मोबाइल फोन हमें जल्दी इंडिया की मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा, जहां मोबाइल फोन पर हमें स्नैपड्रैगन 730 का चिपसेट, पॉपअप सेल्फी कैमरा और एक इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रियलमी के सीईओ माधव सेठ ने कंफर्म किया है कि चाइनीज वेरिएंट से अलग स्पेसिफिकेशन हमें इंडियन वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फोन पर हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगी, क्या रहेगी मोबाइल फोन के प्राइस। तो बिना स्किप के वीडियो को आज तक जरूर देखें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले से। तो दोस्तों, Realme X पर हमें 6.53 इंच FHD प्लस एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिस पर दोस्तों हमें एक पॉपअप सेल्फी कैमरा और एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों, इंडियन वेरियंट्स में हमें स्नैपड्रैगन 730 का चिपसेट मिलेगा, हालांकि चाइनीज वेरियंट्स में दोस्तों हमें स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट मिलता था। और दोस्तों, अब की बार हमें इंडियन वेरियंट्स में एक माइक्रो SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जो हमें चाइनीज वेरिएंट्स में देखने को नहीं मिलता था। अगर कैमरास की बात करें तो दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें डुअल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा, जिसमें रियर साइड में मेन कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का, जिस पर हमें सोनी IMX586 सेंसर का यूज मिलेगा, और सेकेंडरी कैमरा होगा 5 मेगापिक्सल का, जो एक डेप्थ सेंसर होगा। फ्रंट की बात की जाए तो दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें 16 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, मतलब दोस्तों मोबाइल फोन पर एक बेस्ट सेल्फी कैमरा और रियर कैमरे देखने को मिल जाते हैं। अगर बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें करीब 4045 mAh की बैटरी मिलेगी, जो वूक चार्जिंग 3.0 को सपोर्ट करेगी, और मोबाइल फोन पर हमें USB-C टाइप पोर्ट भी देखने को मिल जाए, मतलब दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों, चाइनीज वेरिएंट्स और इंडियन वेरिएंट्स का दोनों का डिजाइन सेम रहने वाला है, बट दोस्तों आपको दोनों ही वेरिएंट्स के स्पेसिफिकेशंस में अंतर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इंडियन वेरिएंट्स में एक स्पेशल वेरिएंट्स भी लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, अगर हम मोबाइल फोन की रिलीज डेट और प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ये मोबाइल फोन हमें जून के पहले हफ्ते या जून के दूसरे हफ्ते में देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मोबाइल फोन हमें इंडिया के मार्केट में जल्द ही देखने को मिल जाएगा। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो दोस्तों, रियलमी के सीईओ माधव सेठ ने कन्फर्म किया है कि इस मोबाइल फोन का प्राइस अराउंड हो सकते हैं 17,000 और 18,000 रुपए के बीच, मतलब मोबाइल फोन के बेस वेरियंट का प्राइस हमें 18,000 रुपए से नीचे देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों, ये मोबाइल फोन इन स्पेसिफिकेशन के साथ 18,000 रुपए तक हमें देखने को मिलता है, तो दोस्तों एक बेस्ट स्मार्टफोन साबित हो सकता है, जो सीधा सीधा टक्कर देगा अपने सेगमेंट के मोबाइल फोन को। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।